कुछ समय पहले की बात है, एक राजा था, उसके रात में बहुत बड़ा एक जंगल था। वो उस जंगल को साफ करके वहाँ पे महल बनवाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने अपने पास दो लकड़हारे बुलाए और उनको काटने के लिए कह दिया। लकड़हारों को औजार दिया गया, लकड़हारे पलटे उस जंगल में जाते, जंगल को काटते वापस चले आते। जब वे जंगल को काट रहे तो रास्ते उनके बगल में एक रास्ता जाता था, उस रास्ते से आदमी आया जाया करते थे। एक बार उसी रास्ता से एक मुनियों का झुंड आया जा रहा था। उन मुनियों के झुंड में से चार पांच मुनियों ने अचानक उनकी नज़र उन दोनों लकड़हारे पर पड़ी और उनके दिमाग में एक प्रश्न उठा। उस प्रश्न का आंसर पाने के लिए, उत्तर पाने के लिए वे लकड़हारे के पास चले गए। उन मुनियों ने सबसे पहले नंबर एक लकड़हारे से पूछता है, बताओ तुम दोनों लोग एक ही समय पे आते हो, तुम दोनों लोग का शरीर भी एक ही है, तुम दोनों के पास एक ही प्रकार के औजार है, तो ऐसा क्या कारण है कि तुम ज़्यादा लकड़ी काट पाते हो? क्योंकि मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे ज़्यादा लकड़ी का अमाउंट है और तुम्हारा जो साथ में तुम्हारा जो दोस्त आता है उसके पीछे लकड़ी का अमाउंट कम है कटी हुई। तो जो पहला वाला लकड़हारा यहाँ पर रिप्लाई करता, उसका आंसर आप सभी को सुनना चाहिए ध्यान से। उसने कहा कि जब राजा मुझे 5 घंटे के लिए लकड़ी काटने के लिए भेजता है ना, तो मैं डायरेक्टली 5 घंटे लकड़ी काटने पे फोकस नहीं करता हूँ। उसमें से 4 घंटे निकाल कर मैं 4 घंटे वो जो औजार मिलती है ना, उसको मैं साफ करता, उसको मैं नुकीला करता, उसको मैं धारदार बनाता हूँ, और बचा 1 घंटे में लगातार मैं लकड़ी काटता हूँ। लेकिन जब 1 घंटे में लकड़ी काटना चालू करता हूँ तो उसमें अमाउंट ऑफ जो वुड्स हैं, कटने का जो अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, ये जो मेरा दूसरा वाला ये दोस्त है ना, ये जब औजार पाता है तो तुरंत औजार लेके 5 घंटा फटाफट ये जुड़ जाता है, ये धार पे ध्यान ही नहीं करता है। तो दोस्त, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि कितने घंटे तुम काम करते हो ये मायने ही नहीं रखता है। जो भी काम तुम करने जा रहे हो उसकी प्रिपरेशन क्या है। जैसे मान लो कोई भी बंदा पढ़ने जा रहा है, कोई 8 घंटा पढ़ता है लेकिन कोई 2 ही घंटा पढ़ता है, लेकिन जो 2 घंटा पढ़ता है उसका कॉन्सेप्ट जो है 8 घंटे वाले पढ़ने वाले से ज़्यादा बेटर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो 2 घंटा पढ़ता है ना, उसकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी होती है। यहाँ पे कि याद रखना कि हमें आवर एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन इज ऑलवेज बेटर देन आवर एजुकेशन, आवर स्टडी। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन पढ़ना है। क्वालिटी एजुकेशन आती है प्रिपरेशन पर। जब पढ़ने जाओ तो सोचो हमारी मेंटल कैपेसिटी स्ट्रांग हो, हमारा फिजिकल एकदम एक्साइटमेंट पे रहे। तो ये इस कहानी से हमें सेशन मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने वीडियो अपने दोस्तों के साथ में से लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।